हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे टॉपिक लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। इससे पहले की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लास्ट वीडियो का मैंने अपना इसमें लिंक मेंशन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। और कोई भी और प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो किसी भी डिजीज को, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई डॉक्टर उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट देता है, तो वो दो बेसिस पे होता है। जैसे सपोज करिए हमें डिजीज हो रही है, तो डिजीज के सिम्टम्स शो होते हैं, साइन शो होते हैं, उसके बेसिस पे डॉक्टर डायग्नोस करते हैं डिजीज को, और उसके बेसिस पे फिर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ट्रीटमेंट के लिए दो पॉइंट्स हम लेते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट हम क्या लेंगे कि किस तरीके से ट्रीट हो रही है, तो दो इसके दो वे हैं इसके। एक तो होता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज, ठीक है। फर्स्ट जो हम इसमें क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। सबसे पहले डिजीज का इफेक्ट को हम लोग रिड्यूस कराते हैं, उसके सिम्टम्स को कम कराते हैं, तब जाके हम लोग उसके आगे जो कॉज होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। तो सेकेंड स्टेप हम क्या लेते हैं इसमें, टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज, टू किल द कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो दो पॉइंट्स लिए हमने यहां पे, एक तो क्या ले रहे हैं रिड्यूस द इफेक्ट, और दूसरा हम ले रहे हैं कॉज ऑफ डिजीज को किल करना। तो अब सबसे पहले इफेक्ट वाली जो बात आती है, हमने इसमें इफेक्ट मतलब क्या आ गया, सिम्टम से मेनली इसमें क्या हो गया कि जो सिम्टम्स हैं डिजीज के उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो जैसे कि सपोज करिए किसी पैथोजन के एंटर करने पे, जैसे हमने मैंने लास्ट वीडियो में इन्फ्लेमेशन टॉपिक एक्सप्लेन करा था, तो इन्फ्लेमेशन में मैंने ये बताया था कि कोई भी जो बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट अटैकिंग पावर स्टार्ट कर देता है, जिससे कि कुछ बॉडी के अंदर रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं, कुछ सिम्टम्स शो होते हैं उसके अगेंस्ट, जिससे हमें पता लगता है कि हाँ हमारे अंदर कोई डिजीज स्टार्ट होने वाली है। जैसे फीवर का आना, पेन होना, बॉडी पेन होना, हेडेक होना, बाकी वो डिपेंड करता है कि किस टारगेट साइट पे, किस ऑर्गन पे अफेक्ट कर रहा है, पैथोजन अटैक कर रहा है, उसके बेसिस पे बॉडी के अंदर सिम्टम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। रेडनेस आना, स्वेलिंग आ जाना, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो सपोज करिए जैसे कि सिम्टम आ रहा है फीवर, फीवर क्या हो गया, टेम्परेचर का इंक्रीज होना। बॉडी का टेम्परेचर क्यों हाई हो जाता है पैथोजन के आने पर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे कोई भी पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकता। बट हमारी बॉडी को उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमारी बॉडी के एंजाइम्स भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं, और उन जब वो वर्क नहीं करेंगे तो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, और अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई तो क्या हो गया, हमको एनर्जी नहीं मिल रही, हम लोग कोई वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर को डाउन करना जरूरी होता है। तो सबसे पहले इफेक्ट के अंदर हमने क्या बोला कि इफेक्ट को रिड्यूस करना, यानी कि सिम्टम्स को रिड्यूस करना। तो उसी तरीके से हम लोग मेडिसिन देते हैं किसके लिए, ब्रिंग डाउन फीवर, अगर लूज मोशन है, पेन है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पॉइंट क्या ले लेंगे, टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन फॉर ब्रिंग डाउन फीवर, ब्रिंग डाउन फीवर एंड रिड्यूस द पेन और लूज मोशन, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया, हमने रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन ले ली। दूसरा हम क्या करते हैं, बेड रेस्ट लेते हैं, ठीक है। सेकेंड हम क्या लेंगे, टेक बेड रेस्ट, ठीक, फॉर कंजर्व एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए हमको बेड रेस्ट लेना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी बॉडी की एक्टिविटी स्लो पड़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट स्लो पड़ जाती है, जिससे कि हमको एनर्जी उतनी नहीं मिल पाती है और हम वर्क करने में थक जाते हैं। तो उस एनर्जी को, जितनी एनर्जी मिल रही है उसको कंजर्व करने की जरूरत होती है। इसके अलावा हमें बॉडी को कैसा फूड चाहिए, न्यूट्रिटिव और ब्लैंड फूड, टेक न्यूट्रिटिव एंड ब्लैंड फूड, ठीक है। अब ये न्यूट्रिटिव और ब्लैंड फूड क्यों चाहिए होता है, दो चीजें हो गई, एक तो ये इजिली डाइजेस्ट होगा और दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, फॉर इजिली डाइजेस्टेबल,
सेकेंड स्ट्रॉन्ग द इम्यूनिटी. इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और इजिली डाइजेस्ट हो जाता है. तो अगर हम लोग कोई भी फैटी स्पाइसी फूड खाते हैं तो वो इजिली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में उस टाइम पर डिजीज के टाइम पे एंजाइम्स वर्क नहीं करते हैं प्रॉपरली. तो फूड को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते. लेकिन हम लोग ब्लैंड फूड न्यूट्रिटिव फूड लेते हैं तो उससे वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है और न्यूट्रिशन की हेल्प से वो इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होने से हम लोग डिजीज के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं. तो इसलिए न्यूट्रिटिव फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लैंड फूड लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है, ये पेज नंबर 186 पे एडिशनल क्वेश्चन है इसका. फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी सिक. तो बीमार पड़ने पे हम इस टाइप का फूड क्यों लेते हैं. तो आप इसको दो पॉइंट में लिख सकते हो, फॉर इजीली डाइजेशन एंड स्ट्रॉन्ग द इम्यूनिटी. वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, मतलब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि न्यूट्रिटिव फूड हमको न्यूट्रिशन देता है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, और ब्लैंड फूड इजिली डाइजेस्ट होकर हमको क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी. ये हमको क्या देगा, एनर्जी. ठीक है, तो ये हुए किसके लिए, इफेक्ट और सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए. तीन पॉइंट्स क्या ले रहे हैं हम लोग, मेडिसिन ले रहे हैं सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए, बेड रेस्ट कर रहे हैं ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके, और न्यूट्रिटिव और ब्लैंड फूड ले रहे हैं ताकि हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रह सके और हमको एनर्जी मिल सके. ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर दूसरी चीज कि अब हमें कॉज कैसे खत्म करना है डिजीज का. सिम्टम हमारे रिड्यूस होने स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो मेडिसिन लेते हैं फीवर वगैरह को डाउन करने के लिए, अलग अलग मेडिसिन होती हैं. जैसे फीवर को डाउन करने के लिए नॉर्मली क्रोसिन दी जाती है, पेन के लिए न्यूमिसलाइड वगैरह ले लेते हैं, लूज मोशंस के लिए लोरामाइड वगैरह आती है. तो इस तरीके से अलग अलग हम मेडिसिन लेके हम क्या कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स को तो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्शन है हमारा, वो इन्फेक्शन को खत्म करना कौन है, यानी कि पैथोजन को खत्म करने के लिए सेकेंड स्टेप लेते हैं हम, टू किल द कॉज ऑफ डिजीज. तो उसके लिए स्पेसिफिकली मेडिसिन होती हैं जिनको हम जो अलग अलग पैथोजन्स के लिए क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. जैसे हम लोग पैथोजन्स देखते हैं तो पैथोजन्स की कैटेगरी कैसी हो गई अलग अलग, फंगाई भी है, ठीक है, बैक्टीरिया और वर्म्स एंड वायरसेस. ठीक है, सबके जो बायोकेमिकल पाथवेज हैं वो डिफरेंट होते हैं. बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस आर डिफरेंट. ठीक है, सबके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से इनके लिए मेडिसिन भी क्या होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं. ठीक है, तो जो इसमें मेडिसिन दी जाती हैं वो सब क्या होंगी, इनकी अलग अलग होंगी. सबका अटैकिंग पावर इनका क्या होता है, अलग अलग होता है. फंगस का अलग होगा, बैक्टीरिया का अलग, वर्म्स का अलग, वायरस का अलग. तो मोड ऑफ अटैकिंग पावर अलग है, तो जिसकी वजह से बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस क्या होगा, इनके सारे अलग. तो जिसकी वजह से इनकी मेडिसिन भी क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं. तो उन मेडिसिन को हम लोग जो नाम देते हैं वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी वर्म्स मेडिसिन होती हैं. और नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, वो होती है एंटीबायोटिक्स. ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से या नॉर्मली फंगस से बनती हैं, और इनके लिए एंटी फंगल, इनके लिए एंटी बैक्टीरियल होती हैं. और वर्म्स का भी जो होता है मोड ऑफ एक्शन अलग होता है. क्वेश्चन पुटअप होता है कि वर्म्स के लिए मेडिसिन अलग क्यों दी जाती है, क्योंकि वर्म्स का जो मोड ऑफ एक्शन है या जो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है वो बैक्टीरिया से या फंगस से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उनकी मेडिसिन अलग होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हो गई एंटीबायोटिक्स, जो मैंने बताया कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट या फंगस के अगेंस्ट जो मेडिसिन यूज करते हैं उनके को किल करने के लिए, वो स्पेशली एंटीबायोटिक्स होती हैं. एंटीबायोटिक्स में भी कैटेगरी अलग हो गई, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, फंगस के अलग एंटीफंगल, वायरस के अगेंस्ट एंटीवायरल मेडिसिन. तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स के हम डेफिनेशन बोलते हैं वो क्या हो गया, दीज आर दी केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स. माइक्रोब्स में स्पेशली बैक्टीरिया और फंगस आते हैं, विच एट लो कंसेंट्रेशन लेवल हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन.
जो लो कंसेंट्रेशन लेवल पे वो माइक्रोब जो है वो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, और उन केमिकल्स वो केमिकल्स लो लेवल पे हम यूज करके पैथोजन को इनहिबिट या उसको डिस्ट्रॉय करा देते हैं, वो मेडिसिन वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो फर्स्ट जो एंटीबायोटिक फॉर्म हुई थी, फर्स्ट एंटीबायोटिक फंगस से बनी थी, नाम है पेनिसिलिन, और ये बनी थी पेनिसिलियम से, ठीक है, पेनिसिलियम से बनी थी, और ये एक फंगस है, फ्लेमिंग थे, उन्होंने फॉर्म करी थी ये। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स होते हैं सबका मोड ऑफ एक्शन, जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं, सुने होंगे आप लोगों ने नाम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये इस टाइप की एंटीबायोटिक्स हैं जो कुछ बैक्टीरिया से बनती हैं और कुछ फंगस से बनती हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका जो टाइप्स ले देते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे, दो टाइप्स की होती है ये, ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली, ठीक है, एक तो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और एक होती है नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम और सेकंड होती है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो क्या करती है, जो वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को किल करती है, किल द वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और जो नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो मतलब कंस्ट्रक्टेड पोर्शन हो गया, तो ये क्या करेंगी, कुछ फ्यू टाइप्स बैक्टीरिया की ही अगेंस्ट वर्क करती हैं, इफेक्टिव अगेंस्ट फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ टाइप के बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो वर्क करती है वो नैरो स्पेक्ट्रम में रखी जाती हैं, और जो वाइड रेंज नॉर्मली बैक्टीरिया को किल करती है वो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इसके अलावा जो इनका मोड ऑफ एक्शन होता है एंटीबायोटिक्स का, वो हम क्या लेते हैं कि ये क्या करती हैं, इनहिबिट दी बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस ऑफ पैथोजन या जो बैक्टीरिया है उसका बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस को ये इनहिबिट कर देती है, या फिर किसको ब्रेक डाउन कर देगी, ये ब्रेक डाउन दी सेल वॉल ऑफ माइक्रोब, जो माइक्रोब्स हैं या पैथोजन है उसके सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देती है, ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, इसके बेसिस पे ये वर्क करती है। इसके अलावा हमने बोला एंटीबायोटिक्स, दीज आर दी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिंस और दी एंटी फंगल मेडिसिंस, इनका लगभग जो एक्शन है वो सिमिलर टाइप का होता है। इसके अलावा एक मेडिसिंस होती है एंटीवायरल मेडिसिंस। अब ये जो एंटीवायरल मेडिसिंस होती हैं, ये क्या होती हैं, मोर हार्डर देन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिंस। इस पे क्वेश्चन आता है कि ये इतनी हार्ड क्यों होती हैं एंटीबैक्टीरियल मेडिसिंस के अगेंस्ट, तो क्यों होती हैं, क्योंकि वायरस का जो होता है अपना कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती है, ठीक है, वायरस हैव नो बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस मशीनरी, कोई भी लाइफ प्रोसेस की करने की उसके पास मशीनरी नहीं होती, ये किसकी यूज करता है, यूज होस्ट मशीनरी, ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है। इसी वजह से क्या होता है, जो एंटीवायरल मेडिसिंस होती हैं वो हार्ड होती हैं, ठीक है, उनका अपना कोई भी मैकेनिज्म नहीं होती इनकी बॉडी के अंदर, वो कैसे होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरमीडिएट होता है, जब तक उनके पास होस्ट है, जब तक वो होस्ट के अंदर है वायरस तब तक लिविंग है, अदरवाइज होस्ट के बाहर वो किस में आ जाते हैं, नॉन लिविंग में आ जाते हैं।
तो इसलिए उनके पास अपनी कोई भी मैकेनिज्म, अपनी कोई भी मशीनरी नहीं होती. वो किसकी यूज करते हैं? होस्ट की मशीनरी यूज करते हैं. और इसी रीजन की वजह से जितनी भी एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं वो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से हार्ड होती हैं. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है. ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कई बार. फर्स्ट एंटीबायोटिक पूछी जाती है कौन सी और किससे फॉर्म हुई है. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. तो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.